तो वीडियो देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि वीडियो के लास्ट में मतलब बर्थडे वाला व्लॉग ख़त्म होगा ना, उसके बाद मैंने कुछ बताया है नवरात्रि के रिलेटेड और कुछ एक खास है, मतलब टूर पे जाने वाले हैं। अभी कहाँ और किसके साथ वो आप लास्ट में देखना, पहले ये बर्थडे वाला व्लॉग एंजॉय कर लो आप। पैकिंग हो रही है, गिफ्ट पैक करवा लिया है, जल्दी से जाऊँगा। बहुत लेट हो इस बार में, बहुत लेट। और वो दोनों बंदर तो मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, और बाद में बताता हूँ आपको कि क्या है क्या नहीं। बस ये तो स्टार्टिंग है ब्लॉग की। तो अभी बर्थडे के लिए गिफ्ट पैक तो करवा लिया है, बहुत बड़ा लग रहा है। आशा करता हूँ मेरे से बड़ा गिफ्ट कोई लाया ही नहीं होगा। अभी मैं इसे ले कैसे जाऊँगा वो थोड़ी दिक्कत है, और मैं ऐसे चड्डे वड्डे में आ गया हूँ, बाद में तैयार होऊंगा। मुझे देखते कैसे रखता हूँ, कैसे जाता हूँ मैं, और बाद में रास्ते में आपसे बात करता हूँ कि क्या है। मैं बीमार हो चुका था वो लास्ट में आपने देखा ही, तो अभी एकदम ठीक हो चुका हूँ, परफेक्ट। और फिलहाल मैं, आज है बर्थडे पार्टी है मामा के लड़के की, तो उसी के सिलसिले में मैंने ये गिफ्ट लिया है। गिफ्ट बहुत बड़ा गिफ्ट है, ऐसे इधर छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो क्या होगा वो तो आप आगे देखना। और मेरे दो बंदर इतना गुस्सा दिलाया उसने मुझे, मतलब एक बोलता है जिम में हूँ और एक तो आने का ही मना कर रहा है, तो मेरा थोड़ा मूड थोड़ा ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं, भी अकेला ही जाऊँगा और अकेला ही सब कुछ करूँगा। तो अभी मामा को बुलाया है, ये वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे शायद। हाँ, ये गिफ्ट ने कैरी कर करके थक गया। इस बेबी का बर्थडे, छोटे बेबी का, इसका नाम है ज्ञान। यहाँ पर मेरे साथ कोई है नहीं ना, तो मुझे मतलब थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो बोरिंग लग रहा है, क्यों पता है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स आए, मतलब दोस्त दोस्त की पार्टी अलग होती है और रिलेटिव्स वाली अलग होती है। यहाँ पर केक आ चुका है, केक चुका है, और जियान खेल रहा है, और मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे अलावा यहाँ पे 36 ब्लॉगर और है। ये पावर ही नहीं है, बोलता ही नहीं। हार्ड डियर जी यार, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी हमारे गिफ्ट की बारी है, और हमारा गिफ्ट सबसे बड़ा है। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगेगा कि अरे फक डोर खोले जाने। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिफ्ट है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिफ्ट है, थोड़ा अजीब लगेगा ले जाने में, थोड़ा अजीब लगेगा ले जाने में, लेकिन देखता हूँ। अभी बहुत सब लोग देख रहे हैं मुझे। ओके, अपना गिफ्ट रखते हैं अभी, इधर थोड़ा फोटोशूट चल रहा है। यहाँ पे तो सारे गिफ्ट की लाइन लग गई, मेरा रह गया अकेला। ये देखो, अब इसमें क्या होगा वो वीडियो के लास्ट में देखना, अगर खोले तो वहाँ पे दिखा दूंगा,
और ना खोले तो फिर जब लेने गया था तब दिखा दूंगा। अभी ये बच्चा बेचारा घंटाल गया है इन सब से, मतलब बहुत हुआ, अभी खाने को चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो गया, अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और उससे भी ज़्यादा भूख लग रही है। और ये देखो ये केक बट रहा है मस्त। मम्मी पापा बहुत बोल रहे थे कि गिफ्ट कुछ यूनिक चाहिए, यूनिक चाहिए, यूनिक चाहिए। मैंने एकदम यूनिक वाला दिया है, और देख लेना जब खुलेगा तब। तो पूरा वीडियो देख लिया, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो सबसे पहले तो मैं लास्ट टाइम मैं अस्पताल में था ना, तब मैंने स्टोरी रखी थी कि नवरात्रि में मुझे कहाँ कहाँ पर आना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे कमेंट किए है। सबसे पहला सवाल कि इस बार की नवरात्रि में मतलब तो सबसे पहला सवाल कि इस बार की नवरात्रि में मुझे डेली ब्लॉग करना चाहिए कि नहीं। मैंने पिछली बार मतलब पिछले साल तो मैंने डेली वीडियो बनाया था, मतलब रात को मतलब गरबा करे या पूरे दिन जो भी हो, नेक्स्ट डे उसका मतलब 8 या 9 बजे तो आ जाता था व्लॉग। इस बार का पता नहीं कैसे होता है कैसे नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ कमेंट में जल्दी से, अब भी जाके कमेंट करो कि मुझे डेली ब्लॉग करना चाहिए कि नहीं। इस वाले मतलब वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए ना, तो मैं पक्का डेली ब्लॉग करूँगा। और अभी मस्त धूप निकली है। इस वाले वीडियो में मतलब कमेंट करो आप नीचे कि मुझे डेली ब्लॉग करना चाहिए कि नहीं। और अलग अलग जगह पर जाएंगे हम यहाँ से पूरे एरिया में, मैं स्टोरी रख दूंगा शायद कि आज यहाँ पे है और यहाँ पे। और नेक्स्ट डे 12 बजे अगर डेली ब्लॉग मैं चालू करूँगा, अभी मतलब सिर्फ नवरात्रि के लिए डेली ब्लॉग चालू करूँगा, तो 12 बजे ब्लॉग आ जाएगा। मतलब जैसे कि आज नवरात्रि है तो रात को शूट किया और सुबह दूसरे दिन 12 बजे। और दूसरी एक बात कि हम जा रहे हैं टूर पे, पूरे मेरे फ्रेंड्स सारे PN कॉमेडी की पूरी टीम, हम सब लोग साथ में जा रहे हैं टूर पे। कहाँ पे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे प्लेस याद नहीं है। वो थोड़ी 4 दिन का टूर है, 4 दिन का, तो मुझे सब अरेंज करना होगा, पावर बैंक और ये सब, क्योंकि आईफोन बैटरी। और बस यही, यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया। और हाँ एक और बात कि अभी मतलब मुझे फीवर हुआ था, बहुत तगड़ा वाला फीवर था वो, तो मतलब चला गया। दूसरी बार कभी हो ही ना ऐसा मतलब फील होता है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ मैं कैसे सफ़र कर रहा था मतलब। तो बस यहाँ तक का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसा वाला झूला। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।